हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम सभी कभी ना कभी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की साइट पे जरूर आए हैं, Naukri.com, Monster.com, Indeed.com। क्यों? हमें अपनी एक सक्सेस होना अपने सर में, तो हम लोग काफ़ी सारी जॉब्स ढूंढते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह की साइट्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडिया में सर्च होती हैं इस तरह की साइट, काफ़ी ज़्यादा। तो क्यों ना कि इस तरह की एक साइट बनाई जाए विदाउट नॉलेज ऑफ टू मच ऑफ कोडिंग। तो बट इसमें भी आपको, मैं मोस्टली आपको रिकमेंड करूँगा Naukri.com साइट की तरह की साइट मत बनाइए। आप एक नीश साइट बनाइए। नीश साइट का मतलब है मैं आप स्पेसिफिक एक टारगेट को, जैसे ये साइट है, ये साइट बेस्ट टेक जॉब देती है जापान में विदाउट लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, जो उनका टैगलाइन हो गया। तो इस तरह के एक फील्ड को पकड़ के या एक डोमेन को, एक कंट्री को पकड़ के अगर आप साइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन साइटों का जो बजट है, मार्केटिंग बजट, उनसे तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्फो एज इसको ओन करती है। आप चाहे कितनी सारी साइटें हो, चाहे आप देख सकते हैं, सब कुछ तो यही ओन करती है। तो इससे बेटर है कि आप एक स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ के उस पर साइट बनाए। तो बनाना कैसे है, तो उसके लिए हमें कौन सी स्क्रिप्ट चाहिए, क्या चाहिए, तो उसके लिए हमको जॉब सी एम से स्क्रिप्ट चाहिए। ये हमारे पास स्क्रिप्ट रही, ठीक है, तो ये हमको स्क्रिप्ट चाहिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे थ्रू आप बहुत इजीली स्क्रिप्ट, आप इजीली अपनी जो साइट है बना सकते हैं, फुल फंक्शन साइट विद इन नेक्स्ट 5 मिनट। जैसे पता है जो मेरे वीडियो होते हैं वो 6-7 मिनट के नॉर्मली होते हैं, तो बिना किसी देर के शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें चाहिए आप कोई भी एक होस्टिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मैं होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। होस्टिंग का मैं क्या, आपको मालवेयर वगैरह प्रोटेक्शन वगैरह काफ़ी और बहुत सारी चीज़ आपको सही रेट में मिल जाता है, इसलिए आई प्रेफर होस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, तो हम इसके स्क्रिप्ट को अपलोड कर देते हैं। जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है, तब तक एक हम कढ़ाई पे तेल चढ़ा देते हैं, मीन्स हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और ये हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। जब तक हमारी फाइल अपलोड हो रही है, थोड़ी फाइल बड़ी है ये, पर हमारा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है, तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जैसे ही अपलोड हो जाएगा। और इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं या स्पेसिफिक किसी तरह की आपको साइट जानने में इंटरेस्ट है कि कैसे बनती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया, ओके। तो इसके अंदर एक और ऐसा फोल्डर था, तो उसको हमको मेन फोल्डर में मूव करना होगा, तो हमने मूव कर दिया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर डालते हैं अपना जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, आपकी जो भी ऐप का आपको जो भी नाम देना है अपनी कंपनी का, वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है अपना डाटाबेस, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो हमने यहाँ पे डेमो क्रेडेंशियल डाले हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन बेसिक डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम अपना बाकी डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एडमिन अकाउंट बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम लॉगिन करके सभी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। हमारी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। अब जो भी आपने क्रेडेंशियल्स बनाए थे, आप उनको यहाँ पे डाल दीजिए। लख लख बताइए आपने सक्सेसफुली अपनी साइट को सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो आई विल फिनिश लेटर, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइसेंस की वगैरह डालनी है। बट यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी साइट रेडी हो चुकी है, क्वाइट गुड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सारी वहाँ पर चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से हम फ्रंट पेज एडिट करेंगे, ठीक है। इस तरह का आएगा, यहाँ पर एडिट विद पेज का ऑप्शन लिखा होगा, आप यहीं पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गए, फर्स्ट सेक्शन पर क्लिक किया, एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया इमेज का, तो जो कोई भी आप इमेज अपलोड करना चाहे वो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा स्टाइल वगैरह चेंज करना, तो वो ऑप्शन भी है, अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज मोस्टली PSD फाइल है, ये कि जो आपका पड़ा हुआ है इसके साथ का, तो ऐसा ये साइज़ सही नहीं है, तो ये थोड़ा सही नहीं दिखेगा आई थिंक, जो वहाँ पर साइज़ लिखा था, ठीक है। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, फिर से साइट को विजिट करते हैं कि अपडेट हुई इमेज, इमेज अपडेट हो गई। तो आप इसको जो एग्जैक्ट साइट था 600 वाइज, तो आप उसे अपलोड कर देंगे। इस तरह से आप पूरी जो भी साइट में आपको फ्रंट पेज में चेंजेस करने हैं, वो इजीली आप परफॉर्म कर पाएंगे। एडिट पेज पे क्लिक करने के बाद, सपोज नीचे कुछ चेंज करना है, नीचे कोई कैटेगरी में कुछ चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो आपको एडिट पे क्लिक करना है, तो ऑलमोस्ट आपको जियो एडिट मिल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ब्राउज अवर 500+ लेटेस्ट जॉब, तो आपको जो भी आपके में जॉब्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब हम चलते हैं
कि फ्रंट साइड पे फिर से एक बार चलते हैं कि हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, बैक एंड को हम बाद में कवर करते हैं। बैक एंड में वैसे आप जनरल सेटिंग्स में जाके काफ़ी सारे बेसिक जो भी चीज़ें आपका जो है आपके लाइसेंस की वगैरह वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल लॉगिन्स वगैरह मिल जाते हैं, अगर आपको अनेबल करना है तो इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है फेसबुक लॉगिन, ठीक है। तो आप उसके थ्रू ऐप क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक में और उस यहाँ पे वीडियो डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगइन्स आपको ऑलरेडी दिख जाएंगी, जैसे कि एनालिटिक्स हो गया, बैकअप हो गया, कैप्चा हो गया, ब्लॉक हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इन्हें डीएक्टिवेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज मोर देन 24 प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें पैकेजेस सेल करेंगे। जब भी कोई जॉब अपलोड करेगा तो ऑफकोर्स हम उससे कुछ रेवेन्यू अर्न करेंगे। अपीयरेंसेस में आपको ऑप्शन मिल जाता है थीम के, तो साइट की कोई भी नई थीम आती है तो वो आप यहाँ से अपलोड करके उस चीज़ को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन आता है जो हमें फ्रंट साइड पे दिख रहा था, जिसको हम यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो ये हमें ऑप्शन दिख रहा है इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से बाकी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, इनको हम इजीली बात कर लेंगे। तो फर्स्ट हम जाते हैं पोस्ट जॉब पे, तो हम साइनअप पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे एक और अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये अकाउंट हम एम्प्लॉयर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो पोस्ट करेगा जॉब, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा ऑप्शन है कि आप एम्प्लॉयर हो या नहीं हो, ठीक है। अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में उसको अनेबल नहीं कर रखा है ईमेल वेरिफिकेशन, अदरवाइज़ आपको ईमेल वेरिफिकेशन करनी होगी, पर हमें ये बार बार करना था इसलिए हमें इसको अनेबल डिसेबल कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास जॉब्स का ऑप्शन आ गया, कंपनी का, जो कोई भी जॉब पे अप्लाई करेगा, और पैकेजेस। तो अब फर्स्ट चीज़ आती है पैकेज कैसे बनाएंगे, जो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट उसको हम पहले कवर करते हैं। तो हम यहाँ पे जॉब बोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे पैकेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पैकेजेस है, नया क्रिएट करना है, नया या पहले पैकेज को ऐड करना है। तो फर्स्ट पैकेज आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट आपने करेंसी सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपने डाला कि ये कितनी लिस्टिंग वो कर सकता है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसको डाल दिया। यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस मिल जाएंगे, आप जो भी पैकेज में आपको जो भी चेंज करना है उस हिसाब से आप चेंज करके उसके अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई कंपनी पोस्ट होगी तो उसको कंपनी अपना अपडेट करनी होगी। तो जो ऑलरेडी ये तो डेमो डाटा है, जैसे कोई यहाँ पे अब मैं सपोज मुझे जॉब पोस्ट करनी है, अब मेरे पास कोई पैकेज ही नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पैकेज लेना पड़ेगा। तो मैं पैकेज ले लिया, अब मैं इनमें से कोई पैकेज लूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना जो भी पेमेंट गेटवे था उसे सेटअप करना होगा। तो अभी के लिए COD था या बैंक ट्रांसफ़र था इस तरह से, तो उसको अभी बात करेंगे। तो हमने एक क्रेडिट खरीद लिया, मतलब हम एक जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए कंपनी वाले एरिया में, जॉब वाले एरिया में पहले, अब क्रिएट किया तो क्रिएट नहीं होगा, हम कहाँ गए, पहुँच गए कंपनी में। तो हमें यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है, तो हमें यहाँ पे डेमो डाटा डाल देते हैं, ठीक है। और अब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर दीजिएगा, नाम, नंबर, आपका लोगो, आपकी कंपनी की वेबसाइट, सब कुछ, सेव एंड एग्जिट। फिर से हम जाते हैं जॉब पे क्रिएट करने, ठीक है। अब हमारा जॉब का ऑप्शन आया, हाँ, अब जॉब का ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि हमने कंपनी क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी कंपनी आ जाएगी पर पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा। आप देखोगे कि हाँ ये सही है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, जेन्युइन है, तो आप इसे अप्रूव कर देंगे। अब जो भी लोगो अपलोड करते हैं वो यहाँ पे दिखता है कंपनी का। अब यहाँ पे जॉब हमें अपलोड करनी है, तो हम जब यहाँ पे SEO डाल देते हैं, SEO एक्सपर्ट वगैरह जो भी आपको डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी आपका बेसिक डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हैं वो डाला। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या ये जॉब फ्रीलांसर है, जॉब की कैटेगरी, जॉब की स्किल, जॉब के टाइप, कैरियर टाइप, हाँ, फंक्शनल एरिया, डिजाइनिंग लेवल, जॉब एक्सपीरियंस। अब ये सब कहाँ से आएगा, क्या इसमें हमारे पास ऐड करने का ऑप्शन है, मैंने नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको वापस जाना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे जॉब एप्टीट्यूड में देखिए जॉब का टाइप आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ गया जो भी जॉब के टाइप्स थे। यहाँ पे आ जाएगी जॉब की जो भी आपके स्किल्स थी, ठीक है, जो भी यहाँ पे देखिए आप स्किल चैट में लिखा हुआ है इस तरह से। तो जो भी ऑप्शंस वहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिखेंगे, वो ऑप्शंस आप यहाँ से आप सारे सेट करेंगे। जो कोई भी जॉब अपलोड कर रहा है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं अपलोड कर सकता, तो हमने बेसिक चीज़ें सेलेक्ट कर ली और इसको हम अपलोड पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या चलेगी, पेंडिंग। तो हमें फिर से डैशबोर्ड पे आना है, अब हमें फिर से जॉब बोर्ड पे जाना है, जॉब्स पे जाना है, यहाँ पे हमारी जॉब आ गई, एडिट पे क्लिक करना है, इसको अप्रूव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जॉब हमारी अपलोड हो गई। ये देखिए ये जॉब हमारी आ गई। अप्लाई नाउ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा, क्योंकि मैं एज एडमिन लॉग इन है तो इसलिए वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से बाकी जॉबों पे भी आप देख सकते हैं, किसी भी जॉब पे भी अप्लाई नाउ वर्क नहीं करेगा।
अब मान के चलो मुझे इस जॉब पे अप्लाई करना है तो कैसे होगा, तो हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं, एक साइड और विंडो प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। अब यूज़र कैसे अप्लाई करेगा, तो यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है यहाँ पे साइन अप करके, ठीक है, है कि वो एम्प्लॉयर नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर से एक डेमो नाम के अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, और चाहे तो आप इसमें विदाउट साइन अप भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कि मैंने एम्प्लॉयर सेलेक्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे एज ए यूज़र है, तो अप्लाइड जॉब, सेव जॉब, अकाउंट सेटिंग, ये सारे ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जो हमारी जॉब थी SEO, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए जॉब आ गई, फुल टाइम में सेलेक्ट किया था, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, हमारी डिटेल्स आ गई जो भरी हुई थी, यहाँ पे अपने रिज्यूम जो भी आपका था आपने वो सब सेलेक्ट कर लिया, तो रिज्यूम तो हमारे पास है नहीं तो मैं इसको ही सेलेक्ट कर लिया, जो भी हमारा नंबर था हमने वो डाला और एप्लीकेशन सेंड कर दी, ठीक है। अब चाहे तो आप सेव करके भी रख सकते हैं अपना रिज्यूम वगैरह। तो वंस इज डन, अब हम चलते हैं जहाँ से हमने जॉब अपलोड करी थी, यहाँ पे गए, देखिए जॉब आ गई हमारे पास, यहाँ पे मेरिट पे क्लिक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, वो फोटो डाउनलोड हो गई, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आ गया। अब ये अप्रूव्ड हुआ या नहीं है, चेकड हो गया, आपने चेक कर लिया, आपको कॉल करना है, जो करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने पैकेजेस की बात करी ली, अब बाकी चीज़ें आपको जैसे कोई भी चीज़ सेटिंग करनी है, ठीक है, वो आप यहाँ से बैकएंड से कर सकते हैं। जैसे कि हमें पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना था, जो हमारा COD और हमने उसको अनेबल करा, डिफॉल्ट पेमेंट मेथड COD। अब हमें रेजर पे को अनेबल करना है तो हम रेजर पे कर सकते हैं, और रेजर पे की सेटिंग्स में जाने के बाद जो भी हमारी रेजर पे की है, इसके भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वंस आप से डाल देंगे, एक्टिवेट कर देंगे और ये स्टार्ट वर्क करने लगेगा। इस तरह से आप एक और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे इसमें टेस्टिमोनियल्स हो गया, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गया, जिनको आप जैसे नाम से ये इंडिकेट हो रहा है जो लोग नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप एक फंक्शनल जॉब पोर्टल बना सकते हैं और जिससे आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, अगर रहा है तो लाइक से